नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द टारगेट लॉ। और अभी हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होने वाला है, उसके लिए एनडीए गवर्नमेंट ने नाम डिसाइड कर दिया है, वो है द्रौपदी मुर्मू का, जो कि एक आदिवासी महिला है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जबकि जो विपक्ष हैं, जितनी भी पार्टी हैं, उन जो गठबंधन की हैं या वैसी हैं, सभी की तरफ से जो नाम दिया गया है अपोजिशन में, वो दिया गया है यशवंत सिन्हा जी का। अब हम सभी ने गैस किया था कि आरिफ मोहम्मद खान जो है उनका नाम आएगा प्रेसिडेंट में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर द्रौपदी मुर्मू जीत जाती हैं तो ये आदिवासी ऐसी पहली महिला होंगी जो प्रेसिडेंट बनेंगी, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, अभी जो हमारा टेन्योर चल रहा है, अभी हमारे रामनाथ कोविंद हैं, इनका टेन्योर खत्म होगा 24 जुलाई को, लेकिन उससे पहले ही भाई इलेक्शन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल जो है, अनुच्छेद हमारा 62, ये कहता है कि प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म होने से पहले ही दूसरे प्रेसिडेंट की इलेक्शन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा, इसीलिए ये पहले किया जा रहा है। जबकि उसका 62 का क्लोज 2 ये कहता है कि अगर इंसिडेंटली एक्सीडेंटली प्रेसिडेंट का पद रिक्त हो जाता है उसका, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर फिल करना होता है, उसमें ये दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि भाई कौन जीतेगा, तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम से होता है, मतलब कि एक ही वोट नहीं होती है, वोट की वैल्यू काउंट होती है। अब इसमें और इसमें टोटल सभी मेंबर्स इसमें वोट करते हैं पार्लियामेंट के, चाहे वो लोकसभा के हों चाहे वो राज्यसभा के हों, जितने भी एमएलए एमपीज हैं सभी वोट करते हैं। अब यहाँ पर चाहे मोदी जी हों, मोदी जी भी इसमें वोट करेंगे, चाहे यशवंत सिन्हा जी हों, वो भी इसमें वोट करेंगे, क्योंकि मोदी जी लोकसभा के सदस्य हैं और जो यशवंत सिन्हा जी हैं वो राज्यसभा के मेंबर हैं, इसलिए सभी वोट करेंगे। वोट की वैल्यू कैसे काउंट होती है, वोट की वैल्यू काउंट होती है स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। जिस स्टेट की जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, उसकी एक एमएलए की वोट की पावर उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल डिटरमाइन की जाएगी। जैसे कि मान लिया यूपी है, यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ एक वोट की वैल्यू लगभग 208 के करीब बैठती है। जैसे सिक्किम है, हमारा सिक्किम छोटी स्टेट है, तो वहाँ की वोट वैल्यू कम हो जाती है। तो इसीलिए अब देखा जाए तो भाई जितनी बड़ी बड़ी स्टेट है, तो सभी जगह तो एनडीए की गवर्नमेंट नहीं है। मान लो भाई यूपी में हो गई, बिहार में नहीं है, बिहार में गठबंधन है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं है, बंगाल में नहीं है, एमपी में है लेकिन वहाँ की डोमिनेटिंग पावर कमज़ोर है, और दूसरा महाराष्ट्र में नहीं है। तो लेकिन इस सब का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लोकसभा की सीटें हैं एनडीए की वो ज़्यादा है, लगभग 330 के समथिंग है, अपोजिशन में कम है। तो इसलिए जो टोटल वैल्यू हमारी बनती है, टोटल जो वोट है, वो 5,43,000 के समथिंग पड़ेगी। तो इसलिए फाइनल यही हो जाता है कि जो एनडीए का कैंडिडेट है, बीजेपी का कैंडिडेट है, वही विनर होगा। ठीक है, चलिए अब लेकिन आपको करना क्या है, मैंने तो आपको बता दिया, लेकिन आपको करना क्या है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर जरूर करना है। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।